हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएचजी क्लासेस, नमस्ते। सो आज मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं है, आज है बात करने का मन, बिकॉज आज बहुत स्पेशल डे है, टीचर्स डे। इस टीचर डे के ओकेजन पे मैं अपने सारे टीचर्स को और इवन अपने स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस पोजिशन पर पहुँचा हूँ। तो अगर मैं अपने टीचर्स को थैंक्स बोलने से स्टार्ट करूँ, मे बी मैम सर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टू फिफ्थ में मेरे स्कूल लेवल में फर्स्ट टू फिफ्थ में थी मेरी एक निर्मल मैम, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। नाइन्थ टेंथ में मेरे मैथ्स के टीचर थे खंडवाल सर, खंडवाल सर आप देख रहे हो होपफुली। इलेवन ट्वेल्थ में थे भारद्वाज सर मैथ्स के टीचर मेरे, मेरे को मैथ्स हमेशा शुरू से पसंद रहा है, सो थैंक्स टू यू। एंड जब मैं स्कूल के बाद अपने कॉलेज में आया SRCC में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ अश्वनी सर को। अश्वनी सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी गाइडेंस आपकी मोटिवेशन के बिना मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता, सो थैंक यू सो मच, बहुत दिल से थैंक यू। उसके बाद सारे अपने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स कैसे मेरे टीचर बन गए, आप लोगों की ब्लेसिंग नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वैसे मैं अपनी टीचिंग की जर्नी थोड़ी सी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो पहले मेरी स्कूलिंग जो हुई थी वो दिल्ली से हुई थी, दिल्ली में सर्वोदय स्कूल फ्रॉम चाणक्यपुरी। जैसे ही मैंने 2004 में 12th के एग्ज़ाम दिए, मेरे को पढ़ाने का बहुत मन होता था, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता था, मैं अपने भाई बहनों को इधर उधर के लोगों को पकड़ के पढ़ाने लग जाता था कुछ भी। सो मैंने 2004 में जिस 12th के बोर्ड ख़त्म किए तो मेरा पहला बैच ही 12th क्लास था, तो मैंने 5 बच्चे पकड़ के उन्हें पढ़ाया मैथ्स, उन्हें अच्छा लगा। फिर धीरे 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 चीज़ें, मतलब ऐसे नहीं कि आओ मुझसे पढ़ लो जबरदस्ती, नहीं, मैंने कहा आओ मैं आपको पढ़ाता हूँ देखो कैसा लगता है। तो वो 5 बच्चे एंड तक रहे, अच्छा स्कोर किया उन्होंने 12th में। उसके आई होप वो 5 बच्चे देख रहे हो, ओके। कुछ कुछ के नाम मुझे याद है, सबके नाम याद नहीं है, जिसमें मनीष है, हरीश है, और भी कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहे। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट होती गई विद इन माई कॉलेज, मैं ट्यूशन पढ़ाता था 11th 12th के बाद फिर मैंने BCOM ऑनर्स वालों को मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, CA वालों को मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, एक्चुरियल वालों को मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, एक्चुरियल के पेपर्स पढ़ाना शुरू किए बिकॉज मैंने एक्चुरियल के पेपर भी क्लियर किए। उसके बाद आई इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स की, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में स्टार्ट किया मैंने। पहले एक स्टूडेंट माइट बी श्वेता, शायद देख रही हो, श्वेता SRCC की स्टूडेंट थी, शी फोर्स मी कि आप मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, मुझे मैथ्स पढ़ा दो, मेरे को किसी से नहीं पढ़ना, मुझे आप ही से पढ़ना है बिकॉज आप बाकी कोर्सेज की मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाते हो, स्टैट्स पढ़ा दो। श्वेता SRCC से थी, तो जब मैं स्कूल लेवल को पढ़ाता था तो शी फोर्स मी कि मुझे पढ़ाओ आप, नाउ शी इज़ अ टीचर इन अ स्कूल एंड शी इज़ डूइंग गुड। उसके बाद उस एक बच्चे से 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, पता नहीं कितने बच्चे हो। और अब ये रहा है कि जब से सोशल मीडिया आया तो सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स की, दिल्ली के बाहर के भी स्टूडेंट्स, चाहे किसी भी स्टेट के हों, बिहार के हों, मुंबई के हों, किसी भी सिटी के हों, ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। इवन इंटरनेशनली भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर से मास्टर्स या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन्हें एक अच्छे लेवल की मैथ्स स्टैट्स पढ़नी है तो वो भी मुझ तक रीच आउट करते हैं। तो स्टार्ट हुआ था 1 से 100, 1000, शायद लैक्स तक भी पहुँच गया। ये वीडियो बनाने का मोटो सबसे पहले तो अपने टीचर्स को थैंक्स और अपने स्टूडेंट्स को थैंक्स। दूसरा मोटो ये है गाइस, अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आप लोग के लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि कोई भी स्टूडेंट, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे लेवल के कोर्स कर रहे हैं, सम हाउ दे रियलाइज कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँगा क्या करूँगा। सबसे पहले तो अपने आप पर भरोसा रखो, बिलीव रखो अच्छा सा कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही किसी भी लेवल पर, टीचर्स हैं आपको गाइडेंस देने के लिए, मैं हूँ अगर आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं। सो अगर आप अपने आप में बिलीव रखोगे, चीज़ों को समझोगे, फोकस रहोगे, इधर उधर नहीं जाओगे, तो लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओगे। फ्रॉम सर्वोदय स्कूल टिल नाउ, फ्रॉम सर्वोदय स्कूल टू SRCC, देन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देन एक्चुरियल के पेपर, देन नाउ, बहुत अच्छी जर्नी मेरी रही है। अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। आई वर्क विद दी कॉर्पोरेट ऑल्सो, अमेरिकन एक्सप्रेस में मैंने दो ढाई साल काम भी किया, बट मेरे को लगा दैट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं दोबारा टीचिंग में आ गया। अब मुझे लगता है मैं टीचर ही ठीक ठाक हूँ और कुछ नहीं।
So again, thanks to my all teachers, my all students for your blessing, guys. And please, अच्छे से पढ़ो, अपना focus रखो, target रखो, जो भी चीज़ आपको करनी है, जो भी चाहोगे life में ज़रूर ज़रूर achieve कर पाओगे. But achieve और सब कुछ अच्छा तभी हो पाएगा जब आप focus रहोगे अपनी पढ़ाई पे. पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़, अगर मेरे टीचर्स ने ये वीडियोस देखी हो तो वो मुझसे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं. सर मैम, नीचे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों का नंबर मेरे पास नहीं है. ओके. एंड मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट 2004 से लेके अब तक के स्टूडेंट्स, वो भी मुझसे बात कर सकते हैं, एनी टाइम मुझसे मिल भी सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल दी लक. बाय बाय गाइस, नमस्ते.